हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अपन ट्रांसफॉर्म का चैप्टर पढ़े हैं, इसमें अपने ट्रांसफॉर्म की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। आपका जो ट्रांसफॉर्म होता है वो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें एक कोइल में अपन करंट फ्लो करवाएंगे तो उसका फ्लक्स आपकी सेकेंडरी कोइल है उससे लिंक करेगा और सेकेंडरी कोइल में EMF जनरेट होगा। इसको अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। देन इसके बाद में अपन ने ट्रांसफॉर्म का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था। तो ट्रांसफॉर्म में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ट्रांसफॉर्म बेसिकली मेनली आपके दो पार्ट्स होते हैं। एक कोर होती है, वाइंडिंग होती है। कोर मेनली सपोर्ट करने के लिए होती है, वाइंडिंग आपकी जो आप सप्लाई देते हैं और आउटपुट लेते हैं उसके लिए काम में लेते हैं। देन कंस्ट्रक्शन के बाद में EMF इक्वेशन निकाली, जो आपकी ट्रांसफॉर्मर में एक रिलेशन होता है वोल्टेज करंट और टर्न्स रेशियो का। तो ये जो इक्वेशन होती है V2/V1 N2/N1 = I1/I2 होती है। ये इक्वेशन अपन ने ड्राइव की। फिर उसके बाद में अपन ने डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्म पढ़े और डिफरेंट टाइप के ट्रांसफॉर्म पढ़े। इसमें अपने अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशंस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस, इस मेनली आपके जो इसमें होते हैं कोर और सेल टाइप के ट्रांसफॉर्म वो पढ़े। उसके बाद में उसकी लॉसेस पढ़े, आपके ट्रांसफॉर्म में कौन कौन से लॉस होते हैं। तो मेनली दो लॉस होते हैं, एक कोर लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। कोर लॉस होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जबकि कॉपर लॉस होता है वो आपके रेजिस्टेंस की वजह से होता है। तो इन दोनों को कम कैसे किया जाता है उसके मेथड पढ़े। देन जो भी आपका लॉस होता है वो आपकी हीट के रूप में निकलता है, उस हीट की वजह से आपका ट्रांसफॉर्म होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर को कम करना है तो उसके लिए अपन ने कूलिंग मेथड पढ़े। तो आपके डिफरेंट टाइप के कूलिंग मेथड पढ़े जिससे आपका जो ट्रांसफॉर्मर है उसका टेम्परेचर वो मेंटेन हो सके। कूलिंग मेथड के बाद में आज अपन स्टार्ट करेंगे थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर। तो इतने जितने भी सारे मेथड पढ़े हैं वो सारे सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर के लिए पढ़े। तो थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है वो बेसिकली आपके सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की तरह ही आपका होता है, उसी की तरह वर्किंग होती है, उसी की तरह कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक फेज के लिए आपके एक कॉम्बिनेशन होता है टू कोइल्स का। तो थ्री फेज हैं तो आपका इसमें टोटल सिक्स कोइल्स अवेलेबल रहेंगे और हर जो फेज रहेगा वो टू कोइल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो सामने डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपके छः कोइल्स हैं। तो आपका लेफ्ट साइड में फर्स्ट फेज को बताएगा, मिडिल में जो आपका कॉम्बिनेशन है दो कोइल का वो सेकेंड फेज के लिए है, और जो आपका राइट साइड में है वो आपका थर्ड फेज के लिए है। इसमें वैसे आपको वाइंडिंग करवानी है जैसे अपन सिंगल फेज में कर देते हैं। वन लेग्स में अपन वाइंडिंग करेंगे और जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वाइंडिंग होगी वो किस पे होगी, आयरन कोर पे। जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनको अपन दो कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे, एक होता है आपका डेल्टा, एक होता है वाई या स्टार कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन है, इसी के अनुसार आपके ये ट्रांसफॉर्मर होता है वो अलग अलग क्लासिफाई होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको अपन कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपके ये चार कॉम्बिनेशन बनते हैं आपके। तो इसमें फर्स्ट जो आपका फेज रहेगा, जैसे अपन स्टार की या वाई की बात करें, तो इसमें देखिए जो आपका फर्स्ट फेज है वो 0 डिग्री पे है, तो दूसरा फेज होगा वो 120 डिग्री पे होगा, और थर्ड जो फेज होगा वो 240 डिग्री पे होगा। तो अपन को इसमें
जो एल का मान इसी हिसाब से लिया जाता है जिससे आपका ये फेज है वो मेंटेन हो सके। इसी तरीके से अपन डेल्टा की बात करें तो आपका ये डेल्टा है, तो इसमें भी आपकी जो तीनों कुंडलियां हैं उनमें अपन फेज वही रखेंगे 0 डिग्री, 120 डिग्री और 240 डिग्री। तो वोल्टेज और करंट में आपका ये फेज रहेगा। अब इनको जो कॉम्बिनेशन कराएंगे वाई और डेल्टा में, उसके अनुसार ये आपके चार कॉम्बिनेशन बनते हैं। एक आपका स्टार स्टार या वाई वाई, वाई डेल्टा और डेल्टा वाई और डेल्टा डेल्टा। अभी कैसे कनेक्शन होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट है आपका फेज वायरिंग फॉर वाई वाई ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे देखिए वाई वाई कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपके तीन फेज इनपुट फेज वायर है, ए वन, बी वन, सी वन, और एन वन है वो आपका न्यूट्रल है। तो इनपुट में कितने लाइंस हो गए वायर्स के, फोर। ऐसे ही आपके आउटपुट में सेकेंडरी वाइंडिंग की साइड आपकी तीन फेज आउटपुट रहेंगे और एक आपका न्यूट्रल रहेगा। इस तरीके से चार लाइन बनाएंगे। वाई वाई में जो आपके ट्रांसफॉर्म होता है उसकी फर्स्ट वाइंडिंग है, उसमें आपका जो स्टार जहाँ पे लगा हुआ है, डॉट जहाँ पे लगा हुआ है, उसको अपन ए वन से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही आपका जो सेकेंड वाइंडिंग है उसका स्टार है उसको अपन बी वन से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे स्टार है उसको अपन सी वन से, यानी जितने भी स्टार हैं तीनों पे उसको एक एक फेज से कनेक्ट कर देंगे। और जो दूस कुंडली का दूसरा सिरा है उसको अपन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ये आपके यहाँ पे न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही आउटपुट की साइड आपका जो एक सिरा है जिस पे डॉट नहीं लगा हुआ उसको अपन न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। बाकी की जो डॉट लगे हुए हैं उसको अपन आउटपुट जो एंड से कनेक्ट करेंगे, अलग अलग से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके का जो भी कनेक्शन होता है या ट्रांसफॉर्म होता है उसको वो अपन वाई वाई ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। नेक्स्ट है वाई डेल्टा। वाई डेल्टा में वही आपका ए वन, बी वन और सी वन। वाई कनेक्शन जो पहले वाला था वैसे रखना है, लेकिन डेल्टा की साइड देखिए जो आपका फर्स्ट वाइंडिंग है उसको अपन ए से कनेक्ट कर रहे हैं डेल्टा। अब इसका जो आउटपुट टर्मिनल है उसको अपन न्यूट्रल से न कनेक्ट करेंगे ना करके जो आपकी नेक्स्ट जो वाइंडिंग है उसके डॉट से कनेक्ट करेंगे, और इस डॉट को अपन दूसरे आउटपुट से भी कनेक्ट करेंगे ए टू से। ऐसे ही जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसका जो दूसरा सिरा है उसको नेक्स्ट जो वाइंडिंग है उसके डॉट वाले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, और जो आपका लास्ट की जो वाइंडिंग है इसका जो आपका सेकेंड सिरा है इसको अपन फर्स्ट जो वाइंडिंग है इसके डॉट से कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन वाई डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल्टा वाई कॉन्फ़िगरेशन या डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मर। तो वाई में अपन जानते हैं वाई का मैं एक अपन पॉइंट अपन न्यूट्रल रखेंगे वाई की साइड, और बाकी का जो कनेक्शन है ए टू, बी टू, सी टू, यानी आउटपुट साइड, वो आपके स्टार जो आपका डॉट लगा हुआ है कुंडली पे उनसे कनेक्ट कर देंगे। तो आपका ए टू है उसको अपन थर्ड वाले डॉट से कनेक्ट कर रहे हैं, बी टू को सेकेंड वाले से, और सी टू को फर्स्ट वाले डॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन डेल्टा की साइड जो आपका डेल्टा कनेक्शन करना है वो आपका फर्स्ट है ए वन लाइन्स को अपन जो थर्ड है उसके डॉट वाले से कनेक्ट करेंगे, और इसका दूसरा सिरा आपका यहाँ पे जाएगा। या अपन ये बोल सकते हैं सी वन को अपन कहाँ कनेक्ट करें, डॉट से, इसका दूसरा सिरा नेक्स्ट वाली वाइंडिंग के स्टार से, और फिर जो आपका टी टू कुंडली है इसका जो दूसरा सिरा है वो टी थ्री के
डॉट वाले पॉइंट से कनेक्ट होगा और फिर आपका आउटपुट C1 से कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा आपका जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेल्टा वाई कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से आपका डेल्टा डेल्टा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें दोनों आपके साइड डेल्टा डेल्टा कॉम्बिनेशन होगा। देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज है थ्री फेज के, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके स्मॉल स्पेस चाहिए। यदि अपन तीन ट्रांसफॉर्मर लें तीन फेज के तो उससे कम स्पेस चाहिए। इसका वेट भी और जो साइज़ भी आपका छोटा होता है, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसकी कॉस्ट थ्री फेज की वो कम पड़ती है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है वो आपका होता है, इसमें यदि पूरा का एक फेज भी आपका शट डाउन हो जाता है, यदि एक फेज में भी कोई एरर आती है तो पूरा का पूरा आपका यूनिट है वो आपका रिपेयर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे फेज एक यूनिट में एग्जिस्ट होते हैं, इसलिए इसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ स्पेयर यूनिट सारा ही जो भी इसमें पार्ट्स लगते हैं उसकी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर का कॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन। और आज की क्लास आपको यहीं पे ख़त्म होती है।